नमस्कार। तो हमारे साथ बैठे हैं अंकल जी। जहाँ इस ज़माने में लोग जो है मूछ रखना बिल्कुल पसंद नहीं करते, तो अंकल जी की मूछ जो है करीब इतनी लंबी लंबी है कि हम यहाँ दिल्ली के चांदनी चौक एरिया में घूम रहे थे और घूमते घूमते हमें दिख गई और उत्सुकता बस हम रुक गए और इनसे सवाल पूछते हैं कि आखिर मूछों का शौक इनको कैसे लगा। तो अंकल जी, इस ज़माने में तो मूछ अब कोई रखता नहीं है भैया। वो ज़माने की बात छोड़ो, लेकिन जहाँ से हम हैं वहाँ तो रखते हैं हम। हमने तो ये संचाजी से रखनी शुरू करी है और अब तो थोड़ी छोटी कर ली है, वरना एक साइड की 30 इंच लंबी थी मेरी। 30 इंच लंबी मूछ रखा? हाँ, एक साइड की। एक साइड की, हाँ। अब ये चूँकि कानों में लपट जाती है, इसमें कानों में लपटती है। आप लेटते ना? हाँ। तो ये कानों में अलवेटे देके लपेटते हैं इसे। तो आप 86 से बराबर मूछ रख रहे हैं? हाँ, 86 से मूछ रखते हैं। और आप सरकारी कर्मचारी हैं? हाँ, मैं नेट पिल्लर था, रिटायर हो गया। मैं बागपत में नेट पिल्लर था और वहाँ से रिटायर हो गया, अब बस घर पे रहता हूँ। देखिए, मूछों की 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम ये जोर देना पड़ता है। इसके लिए कोई विशेष जैसे मसाज वसाज? हाँ, कर रहा हूँ ना, 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम, रात को सोते वक्त, जैसे मुंह पर चिकनापन आ जाता है या कुछ चीज़ लग जाती है खाने की, वो साफ करने के लिए और मालिश करके जब सोता हूँ फिर सुबह उठ कर करता हूँ दोबारा। अगर कोई रखाना चाहे तो उसको डिटेल में बताएं क्या करें? उसके लिए बहुत मुश्किल चीज़ है, रख नहीं पाएगा। क्यों? इसके लिए रखना तो आसान है, लेकिन इसको रखाना बहुत मुश्किल है। और रखाने के लिए अगर उसमें इच्छा शक्ति है और इस वक्त में टाइम दे सकता है तो ही वो मूछ रख सकता है। अगर वो टाइम निकाल के सुबह अपनी तंदुरुस्ती के साथ साथ अपनी हेल्थ के साथ साथ मूछों का भी ध्यान रखेगा जब भी मूछ रख पाएगा। और उसके लिए सुबह 1 घंटे मालिश करनी और शाम को भी 1 घंटे मालिश करनी, ये ज़रूरी है, वरना तो इसमें खुश्की आ जाएगी और फिर ये बाल टूटने शुरू हो जाएंगे। इस टाइम कितनी लंबाई होगी मूछ की? इनकी इस समय मेरी 28 इंच लंबी है दोनों साइड की। दोनों साइड की 28 इंच है? अच्छा, 14 इंच एक साइड की। एक साइड की, जरा एक साइड खोल के दिखाइएगा। पूरा लंबी तो है 14 इंच, हाँ, एक साइड की तो है लंबी। तो ये जैसे मूछ कभी अटपटी नहीं लगती? शुरू शुरू में लगती है, अब तो उसके बिना बेकार है जीना ही हमारा। अगर हमने कटवा लिया तो एक तो हमारी पहचान ही ख़त्म हो जाएगी, तो हमको जो शहर में ना, हाँ, वो मूछों वाले के नाम से ज़्यादा जानते हैं। जब हम सर्विस करते थे जब भी वो कहते थे भाई मूछों वाले नैतला था के पास जाना, अच्छा, नाम भूल जाएगा तब भी वो पहचान जाता था। अच्छा, नाम बढ़ गया था मूछों वाले तहसीलदार? मूछों वाले तहसीलदार। अच्छा, किसी को जानना हो या मोहल्ले में पहचानना हो या शहर में पूछ भूल जाओ वो, तो वह एक ही बात पूछेगा भैया बड़े बड़े मूछों वाले जो तहसीलदार साहब हैं उनका जाना, तो रिक्शे वाला कोई भी दुकानदार वो पहुँचा देगा घर पे। ये तो इसकी पहचान है। और बाकी जो कष्ट है वो ये है कि इसकी सेफ्टी बहुत रखनी पड़ती है, इसकी हिफाजत अपने से ज़्यादा रखनी पड़ती है मूछों की। तो परिवार में कोई और मूछों का शौकीन है? नहीं, और कोई नहीं, नहीं। बल्कि घर वालों ने तो हमारों ने ऐतराज़ करा इस पर कि भाई क्यों रख रही हो मूछों की क्या, लेकिन मैं जब शौक किया तो फिर कराई। तो लड़के उड़के रखते हैं मूछ आपके? ना, लड़का मूछ नहीं रखता। अच्छा, लड़के नहीं रखते? ना, ना। लड़के नहीं, आप ही रखना? बस हमारे ताऊजी ने रखी थी और हमने रखी उसके बाद। वैसे हमारी देखी देखा एक दोनों रखनी तू करी, लेकिन बाद में वो हार गए फिर कटवा दी उन्होंने। उन्हें कह रहे बड़ा फायदा आ भैया हमारे बस की ना है। अब हमारा तो फिर धन है, अब सन छाती को लगा दो 40 साल से करीब हो गए, तो 40 साल से मूछों को रखाई कर रहे हैं। यानी मूछ के साथ अब पूरा जीवन जीना? हाँ, अब तो मूछों वाले नाम से जाना भैया, जब जाएंगे तब भी मूछों वाले नाम से जाएंगे। अब इसके बिना जीवन अधूरा है? हाँ, बिल्कुल जी अधूरा। चलिए, बहुत शुभकामना। धन्यवाद सर।
और सर नाम आपका? मेरा नाम लाल बहादुर सक्सेना, नाइट पेलर खेकड़ा था, और अब मैं छोटी छोटी खुर्जा रहता हूँ। ठीक सर, धन्यवाद धन्यवाद।